Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a Computer Science Gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate. And even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CET Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. Eight, 19. Okay, 1997. So they are saying to do the minimization, okay, of the Miele machine, and they have given here the present state. मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसी पेज में हम लोग इसका मिनिमाइजेशन देख पाए ताकि आप लोगों को डाउट ना हो. ठीक है, सॉरी चलो ले लिया मैं. तो प्रेजेंट स्टेट ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब प्रेजेंट स्टेट है. ऑन जीरो नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट next state, put on one, next state. ठीक है, तो B, F, C, F, then D, then C, D, C, then again D, then C, 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 one, one, two, zero. H, D, F, here is output is always one. चलो ये हमारा क्वेश्चन है, this is our question. Now they are saying that how many number of states you are going to get in the minimized Miele machine. So you know that whenever we do minimization in either Moore or Miele, so pi there will be, since you know that in Miele and Moore machine there is no final state. Final state नहीं होते Miele and Moore machine में, तो pi zero कैसे decide करें? Pi zero बोलता है set of दो partition होगा. General procedure क्या बोलता है state partition का, कि एक partition में final state होंगे, एक partition में non-final. लेकिन इस केस में क्या होता है, Moore and Miele में हम आउटपुट बेस्ड ऑन द आउटपुट वी डिसाइड द पार्टीशन ओनली ऑन पाई जीरो. सो पाई जीरो विल कंटेन द सेट, वन सेट विल कंटेन द स्टेट्स व्हिच इज गिविंग द सेम आउटपुट. ओके, देखिए जैसे ए बी और ई एफ जी को देखिए, जीरो मिल रहा है तो वन दे रहा है, वन दे रहा है, सेम देखिए सब वन दे रहा है. लेकिन एच और सी डी आपको जीरो दे रहा है, मतलब ये तीन तो सी डी एच इनके साथ नहीं रहेगा. ओके, सो पाई जीरो, इन पाई जीरो इन केस ऑफ Moore and Miele machine वी डिसाइड द पार्टीशन बेस्ड ऑन द आउटपुट. द स्टेट विच आर गिविंग द सेम आउटपुट इज गोइंग टू स्टे टूगेदर एंड द स्टेट विच इज गिविंग द डिफरेंट आउटपुट विल बी इन डिफरेंट पार्टीशन. सो ए बी ई एफ जी ऑन जीरो इट इज गिविंग वन, सो ए बी ई एफ जी विल स्टे टूगेदर. सो ऑन द आउटपुट जीरो we can say that. Okay, so zero output ke liye till now we can conclude that AB and EFG can stay together. ठीक है, तो अब zero in zero input के लिए हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि AB और EFG साथ में होगा. तो सारे input के लिए हमें देखना है, one मिल रहा है तो देखिए सभी one दे रहा है, तो इसके लिए तो कोई problem ही नहीं है. सारे states क्या दे रहे हैं, output one ही दे रहे हैं. तो
तो मतलब क्या सिर्फ जीरो पे ही हमें डिसाइड करना है, तो एक पार्टीशन में क्या होगा, ए बी ई एफ जी विल बी इन वन पार्टीशन एंड सी डी एंड एच इज गोइंग टू बी इन इन डिफरेंट पार्टीशन. तो दिस इज पाई जीरो. पाई जीरो में किसी को डाउट है? देखिए पाई जीरो ही यहाँ पे डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम रहेगा. तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज बाई स्टेट पार्टीशन मेथड. ओके, बाई स्टेट पार्टीशन मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को ये, ठीक है. क्लियर है सभी को? चलिए अब देखिए पाई वन क्या है, सिमिलर. अब हमें सिर्फ देखना है कि इस स्टेट को जो इनपुट मिल रहा था वो एक पार्टीशन में जा रहा है कि नहीं. अगर एक पार्टीशन में जा रहा है तो साथ में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. बस सिर्फ पाई जीरो में ही हम आउटपुट देखते हैं, बाकी विल प्रोसीड विद द सेम प्रोसीड्यूर. सो ए बी ई एफ जी, ए बी ई एफ जी ऑन गेटिंग जीरो इट्स गोइंग बी एफ डी सी. बी एफ इज हेयर, डी सी इज हेयर, इट मीन्स दिस थ्री दिस फाइव इज नॉट गोइंग टू स्टे टूगेदर बिकॉज ऑन गेटिंग जीरो इट्स गोइंग ऑन मोर देन वन पार्टीशन. इट शुड गो ओनली ऑन वन पार्टीशन, एक ही पार्टीशन में जाना चाहिए, लेकिन वो एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में जा रहे हैं. तो कौन कौन साथ में रह सकता है? देखिए यहाँ डी सी है, यहाँ बी एफ है, और डी सी यहाँ है और बी एफ यहाँ है. ओके, तो मतलब ए बी साथ रह सकता है और ई एफ जी साथ में रह सकता है. अब जीरो पे हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि शायद, मैं बोल रहा हूँ इट मे बी दैट जीरो मिलने से ए बी साथ में रह सकता है अब तक और ई एफ जी, क्योंकि जीरो मिलने से ए बी को बी एफ में जा रहा है इस पार्टीशन में, और ई एफ जी को जब जीरो मिल रहा है तो इस पार्टीशन में जा रहा है. ठीक है, अब इस पे भी देखते हैं क्या ए बी को फिर वन मिलने से क्या किसी एक ही पार्टीशन में जा रहा है. यहाँ एच और डी है, ठीक है, तो एच हमारा यहाँ है, डी यहाँ है, चलिए एक ही पार्टीशन में जा रहा है. इट मीन्स ए बी इज गोइंग टू स्टे टूगेदर बिकॉज ऑन गेटिंग जीरो इट्स गोइंग टू बी एफ, इट इज इन वन पार्टीशन, एंड ऑन वन इट इज गोइंग टू एच डी एंड इट इज अगेन इन वन पार्टीशन. वो कहीं भी जाए लेकिन किसी एक ही पार्टीशन में जाना चाहिए, एक से ज्यादा पार्टीशन में नहीं जाना चाहिए. नाउ ई एफ जी ऑन गेटिंग जीरो इट इज गोइंग डी सी, डी सी इज हेयर, एंड अगेन ऑन वन इट्स गोइंग टू सी डी, सी डी इज अगेन हेयर. सो दिस थ्री स्टेट आर ऑल्सो गोइंग इन वन पार्टीशन, सो इट विल बी स्टे टूगेदर. ठीक है, अब सी डी एच, सी डी एच, सी डी एच को जब जीरो मिला तो कहाँ जा रहा है, सी डी सी, एक ही पार्टीशन में यहीं पे है. वन मिलने से कहाँ जा रहा है, ई एफ ए, ई एफ यहाँ है और ए यहाँ, एक ही पार्टीशन में जा रहा है, तो ये भी साथ में रहेगा. देखिए सी डी एच ऑन गेटिंग जीरो इट्स गोइंग सी डी सी, सी डी सी इज हेयर ओनली, एंड ऑन गेटिंग वन इट इज गोइंग टू ई एफ ए, ई एफ इज हेयर एंड ए इज हेयर, एक ही पार्टीशन में जा रहा है. तो हर इनपुट के लिए हमें देखना है कि वो क्या एक ही पार्टीशन में जा रहा है कि नहीं, एक पार्टीशन, इट शुड गो ऑन वन पार्टीशन. ठीक है, सो सिंस इट इज ऑन एवरी इनपुट इट इज गोइंग ऑन वन पार्टीशन, सो इट विल स्टे टूगेदर टिल नाउ पाई वन वी हैव डन. जब पाई वन करें तो पाई जीरो देखे, तो पाई टू करेंगे, जब पाई टू करेंगे ए बी का देखेंगे, ए बी को जीरो मिला, बी एफ, बी यहाँ है, एफ यहाँ है, मतलब अब तो साथ में नहीं रहेगा. पाई टू में हमें क्या पता चल गया कि बी यहाँ एफ है, तो ए और बी को सेपरेट कर दो. अब ई एफ जी का देखते हैं, ई एफ जी देखिए, जब मैं पाई टू कर रहा हूँ तो पाई वन देख रहा हूँ, ठीक है, ये सब गलतियाँ मत कीजिएगा. ई एफ जी है, ई एफ जी, सो तो जीरो मिला तो कहाँ जा रहा है, डी सी, एक ही पार्टीशन है. फिर ई एफ जी को वन मिला, कहाँ जा रहा है, सी डी, एक ही पार्टीशन, तो ई एफ जी साथ में ही रहेगा, क्योंकि ई एफ जी को जब जीरो मिला तो सी डी के पास गया यहीं पे, अब वन मिला तो भी सी डी के पास गया, वो एक ही पार्टीशन है. अब सी डी एच को देखेंगे, सी डी एच, सी डी एच को जीरो मिला, सी डी यहीं पे है, और वन मिलने से ई एफ ए, ई एफ यहाँ है, ए यहाँ है, मतलब वन मिलने से वो एक से ज्यादा पार्टीशन में जा रहा है, मतलब सी डी एच साथ में नहीं रहेगा. तो कौन सा साथ में रह सकता है, ई एफ यहाँ पे है तो शायद सी डी साथ में रह सकता है. तो सी डी को जब जीरो मिला तो सी डी के पास गया, एक ही में ही है, फिर ई एफ में गया, एक ही में है, मतलब सी डी साथ में रहेगा और एच साथ में नहीं रहेगा. देखिए अब ये सब क्वेश्चंस अगर पूछेगा ना गेट में, तो ये नेटी होगा, दो मार्क्स के लिए पूछेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. अगर ये उस समय एनएटी नहीं था, अब है, ठीक है. अब पाई थ्री करेंगे, सो ए ऐसा ही होगा, बी इसी तरह होगा, एच भी उसी होगा, इसलिए जिस पार्टीशन में एक ही स्टेट रहेगा उसमें फर्दर तो और डिवाइड हो नहीं सकता,
सीडी, सीडी को जीरो मिला, सीडी एक ही पार्टीशन, ईएफ, ईएफ यही है एक ही पार्टीशन, मतलब ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा सीडी। अब ईएफजी, ईएफ यहाँ है और जी यहाँ है, फिर ईएफजी को जब जीरो मिला है तो सीडी पास जा रहा है, एक ही पार्टीशन में है वो दोनों, सीडी फिर एक ही पार्टीशन में, मतलब ईएफजी भी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो देखिए हमें पता चल गया पाई थ्री इज इक्वल टू, सिंस पाई थ्री इज इक्वल टू पाई टू, इट मीन्स इन मिनिमाइज डीएफए हाउ मेनी स्टेट्स वी गॉट, बताइए आप लोग कितने स्टेट्स हमें मिले इन मिनिमाइज डीएफए। सो वी कैन मर्ज दिस सीडी एंड वी कैन इवन मर्ज दिस ईएफजी, सिंस पाई टू इक्वल टू पाई थ्री, सो इन मिनिमाइज डीएफए, सो इन मिनिमाइज डीएफए मशीन वी गॉट फाइव स्टेट, ठीक है, पांच स्टेट्स मिल गया।